कर्नाटका में किसानों से मिले वकफ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल। किसानों से मिले चेयरमैन ने खोली कर्नाटक सरकार की पोल। जगदम्बिका पाल के किसानों से मिलने से बौखलाई कांग्रेस। वकफ बोर्ड को लेकर कर्नाटक की सरकार का चेहरा हुआ बेनकाब। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वकफ संशोधन को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो राजनीति कर रही हैं, पर इसी बीच में आपके लिए बता दें कि इसी वकफ बोर्ड संशोधन मामले को लेकर अब एक यानी कि जो चेयरमैन है जो कि जीपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, अब इन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जिस तरीके से कर्नाटका के हुबली में चेयरमैन ने किसानों से की है मुलाकात और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से तमाम किसान उनसे यहां पर मिलने के लिए आए और किसानों ने बताया है कि किस तरीके से वकफ बोर्ड ने जो है वो उनकी 60 से 70 साल पुरानी जमीनों पर अपना कब्जा बता दिया है और कहा है कि ये जमीनें तो हमारी हैं और ये आपको हमें देनी पड़ेंगी। देखिए वकफ बोर्ड के पास ना ही तो कोई सबूत है ना ही तो कुछ चीजें हैं, पर इसके बावजूद भी कर्नाटका के किसानों की जमीनों को जो है वो लगातार हड़पा या फिर अपने नाम किया जा रहा है। और इसी पूरे मामले पर पहले ही कर्नाटका की सरकार जो है वो यानी कि चीजों में उलटफेर करती हुई नजर आई कि जो किसानों की जमीन है वहां पर वक्फ का अधिकार बता दिया गया। जहां एक तरफ वक्फ संशोधन कर रहे यानी कि जेपीसी के जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, और जब वो कर्नाटका के हुबली पहुंचे हैं और उन्होंने किसानों से मुलाकात की है, जिस पर अब कांग्रेस के नेताओं की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है, चाहे फिर वो राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हों जो कि लगातार जेपीसी के चेयरमैन की इस मीटिंग यानी कि किसानों से मिलने को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हों, या फिर कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद हों, वो ये कह रहे हैं यानी कि मोहम्मद जावेद का कहना है कि ये जो मीटिंग हुई है ये जो जेपीसी के चेयरमैन किसानों से मिले हैं यहाँ पर वो अकेले क्यों गए, यहाँ पर तो पूरी जेपीसी टीम को जाना चाहिए था। वहां जाने का यानी कि किसानों से मिलने का जेपीसी के जो चेयरमैन है उन्हें किसने अधिकार दिया? एक तरफा और राजनीतिक फैसला लेना उचित नहीं है जब कर्नाटका की सरकार पहले ही कह चुकी है कि मामला सुलझ गया है और जमीन किसानों के पास ही रहेंगी, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है और उनकी हरकतें जो है वो संसदीय लोकतंत्र हित में नहीं है। आपके लिए बता दें कि आज कांग्रेस के नेताओं की लगातार बौखलाहट इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अब उन्हें लग रहा है कि कर्नाटका सरकार जो है वो वकफ बोर्ड पर अब लगातार उनकी सच्चाई जनता के सामने आती जा रही है कि पहले किस तरीके से कर्नाटक के किसानों की जमीनों को वकफ के अधीन करने का फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया, किस तरीके से जो है वो उनसे पेपर्स की बात की गई, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप मैप की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं तमाम जमीनों को जो है वो वकफ का दिखाने का काम किया गया। और अब जब ये मामला खुलकर सामने आया है और जेपीसी के चीफ ने किसानों से मुलाकात की है तो कांग्रेस के नेता जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि आज जो जेपीसी के चीफ हैं उन्होंने मुलाकात की है किसानों से, सुनिए क्या कहा है। उन्होंने किसानों से मुलाकात के बाद पूरी कॉन्फ्रेंस जो है यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी जेपीसी के चेयरमैन के द्वारा। कि जैसे कोई समय एक दौड़ चल रहा है कि जो किसानों की जमीन हो, यहां तक देवालय की हो, मठ की हो, 500 साल पुरानी हो, 1000 वर्ष पुरानी हो, उसको भी वक्त की प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा रहा है और केवल क्लेम नहीं किया जा रहा। आखिर जो एक रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसमें भी चेंजेज हो रहा है, चाहे राइट हो, टेनेंसी हो या प्रॉपर्टी हो, जिसका पहले से म्यूटेशन हो चुका हो, कहानी हो चुका हो, तो आखिर कैसे हो रहा है बिना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिशियल? How is it possible? Any piece of land, any property which is owned by someone who has deep control, ownership, and all the records,
in revenue record. Even then, now tempering and changing are going to take place. तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी राज्य सरकार का एक बयान भी आ गया है कि हमने नोटिसेज दिए थे, वो नोटिसेज को हमने वापस करने के लिए कह दिया. मे बी स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन ए डायरेक्शन टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल टू नॉट इविट द फॉर्मर बट डज दिस विल बी रिजॉल्व या वेदर द इशू हैज बीन सो डिटेल कि जिसमें रिकॉर्ड में टेम्परिंग हो चुका है, जिसके ड्यूटेशन हो गए, जिसकी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी और उसको वक्त ने अपने उन कागजों में चेंजिंग करा लिया है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा और कैसे कौन रिस्पॉन्सिबल. मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने में जो केवल इस भूखी में नहीं, बीजर में भी, गुलबर्गा में भी, कलबुर्गी में भी, बीजापुर में भी, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, शिमोगा में भी, सब जगह इस तरह की शिकायतें आ रही हैं. और इतने बड़े पैमाने पे कहीं 15,000 acres, कहीं 1,000 acres, इस तरीके से उनको वक्त प्रॉपर्टी हो रहा है. देवालय, मठ जो पुराने पुराने हैं, कोई पोखरे हैं, टैंक हैं, जो इसके बाद जब फॉर्मर डेडिकेट कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं, अगर आप नोटिसेज केवल ये तो टेम्पररी है कि फॉर द टाइम बीइंग ओनली गवर्नमेंट हैज गिवन ए डायरेक्टिव टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट नॉट टू इविट द फॉर्मर बट फ्रॉम ओवर अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम 1920-1930 दोज हु आर कल्टिवेटिंग दोज लैंड हाउ इट कैन बी बिकम अ वर्क प्रॉपर्टी. मैटर ऑफ वेरी ग्रेट कंसर्न. आई थिंक मोर देन 70 रिप्रेजेंटेशन आई गॉट इट. डेफिनेटली आर जेपीसी विल कंसीडर दोज रिप्रेजेंटेशन. वी फील ऑल्सो वी इनवाइट टू सम फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन, लाइट ऑर्गेनाइजेशन एंड सम फैक्ट एंड फाइंडिंग ऑल्सो. डिप्टी लीडर ऑफ द कर्नाटका असेंबली, ही केम पर्सनली, ही हैज गिवन वन मेमोरेंडम. देयर वर 3-4 MLA, दे हैव गिवन मी. And now, leader of opposition is council also is sitting here. Only because of their all is here, because number of more than thousands of farmers that agree because of one. I think so the echo of the people you have heard also, I witnessed also, this is something very serious also. Because of Tejasvi Surya, he is also a member of this joint parliamentary committee and wants to be constituted by honorable members with own Bhilla. आपने सुना कि जेपीसी के चेयरमैन की तरफ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए. जहां एक तरफ कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि पूरी जेपीसी की टीम को जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी जो है वो जेपीसी के चीफ के जाने का जो है वो विरोध किया. सुनिए क्या कह रहे हैं डीके शिवकुमार. पॉलिटिकल ड्रामा. Since the election is there, they are no way connected. It is a state, land is a state subject. BJP themselves had started this in 2019. All they had given notices. Even in Dharwad also they had given notices. It is the continuation of that. But my government is committed. We will not change any record. We will all rectify it. We don't want to affect any farmers. This is all started by BJP. And they are trying to put the blame on us. We don't mind. The JPC doesn't have any powers to enter. For their political purpose, they might have come. It is not an officially designated JPC. Sir, will Congress withdraw the names which have been entered in? Of course, earlier. Already, my Chief Minister and my Revenue Minister has said on record
ऑल फार्मर्स विल बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। आपने देखा कि डीके शिव कुमार जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसी कांग्रेस की पार्टी और तमाम नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का सीधा जवाब और बड़ा हमला जो है वो जेपीसी के अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को दिया है। यहाँ पर भी आप सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को बकअप और किसानों की जमीन को लेकर जवाब दिया है। इसकी रिपोर्ट को हम नेक्स्ट वीक तक सेशन आ रहा है, इसके फर्स्ट वीक के लास्ट में। सर, और ये कांग्रेस का जो एलिगेशन है आप अकेले आए हैं इस पर क्या? डीसीएम ने भी वही बात बोली है, डीसीएम शिव कुमार ने भी वही बात बोली। कांग्रेस नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि सारा जेपीसी जाना था, सिर्फ प्रेसिडेंट जाना एक अनडेमोक्रेटिक। अब ये बताइए कि अगर किसी राज्य में कहीं पे कोई किसान एग्री है और मैं आप कमेटी का चेयरमैन हूँ और इस समय मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मैं कहीं बेटी के साथ भी जा रहा हूँ, कहीं मैं स्वयं आ सकता हूँ, इतने लोग मिले, बट जब पूरी कंट्री में जा रहा हूँ और कमेटी में दिल्ली में लोग मैराथन मीटिंग करके सबको विटनेसेज के रूप में अपीयर कर रहा हूँ, तो हमारा काम यह है कि जस्ट सर, कर्नाटक वकफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपका विजिट इलीगल है, जेपीसी फॉर्म हुआ है सिर्फ अमेंडमेंट के बारे में ओपिनियंस कलेक्ट करने के लिए, ऐसे फार्मर्स का जो अभी जो इश्यू हुआ है उस पर कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जेपीसी का बिल्कुल फॉर्म हुआ है, लेकिन अगर जेपीसी फॉर्म होती है तो किस लिए? अगर वो कानून बनाना होता सरकार उसको बहुमत के आधार पर पारित करा देते, लेकिन अगर उस बिल को किरण रिजिजू जी ने मंत्री ने रिक्वेस्ट किया पार्लियामेंट के अंदर श्री ओम बिरला जी स्पीकर साहब से कि आप इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर करके हम इस कानून पे चाहते देश में ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो सके, जो हित स्टेक होल्डर्स है, जिससे कि गरीबों को, आम मुसलमान पसमानदा खवातीन महिलाओं को, बच्चों को, जो वक्त होता है गार्ड के नाम पे उसका फायदा मिल सके, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज, वायस पर्पजेज, रिलीजियस पर्पजेज, आज उसके लिए हम पूरी कमेटी को पूरी कंट्री में जा रहे हैं, पूरी कमेटी दिल्ली में भी हर हफ्ते में दो दिन हम मीटिंग बुलाते हैं, जो लोग अपीयर होना चाहते हैं, तो हमको 1 करोड़ कुछ लाख हमारे मेमोरेंडम आया है पार्लियामेंट के पोर्टल, हमने तो पूरी कंट्री को इनवाइट किया। अब अगर उस दिशा में कर्नाटका में हमारे तेजस्वी सूर्या जी ने मुझसे कहा, वहाँ किसान काफी बड़ी संख्या में गरीब है। आपने देखा कि जहाँ एक तरफ जेपीसी के चीफ जो है वो किसानों से मिलते हैं या फिर किसान उनसे आकर मिलते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पैरों के नीचे किस तरीके से जमीन जो है वो खसकती हुई जा रही है, क्योंकि अब सच्चाई जो है वो देश की जनता के सामने आ रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी जो है वो छुपाना चाहती थी, और शायद यही क्या बड़ा कारण है जिसलिए आम यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो आज भी लगातार वक्फ संशोधन को लेकर सवाल उठाते हैं। पर आपके लिए बता दें कि जब जेपीसी अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं जिन्हें इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आज कांग्रेस के नेता किस तरीके से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए।